दिल्ली से बाराबंकी जा रहे प्रवासी मजदूरों की डीसीएम पलटी, दो की मौत और 9 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह का है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फतेहगंज पश्चिमी के टोल प्लाजा के पास डीसीएम का स्टेयरिंग अचानक जाम हो गया, जिसके चलते डीसीएम पलट गई। डीसीएम पलटते ही गाड़ी में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना से मौके पर ही एक किशोर और एक बच्ची की मौत हो गई, साथ ही डीसीएम में सवार महिलाओं के साथ कई पुरुष भी चोटिल हो गए। जानकारी के मुताबिक डीसीएम के सभी मजदूर दिल्ली से अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए बाराबंकी जा रहे थे, इसी बीच यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रूपचंद सर, रूपचंद कैसे घटना हुई, कहाँ जा रहे थे? सर हम दिल्ली से आ रहे थे, बाराबंकी जा रहे थे, और रात में मान लो करीब 2:30 बजे के गाड़ी मान लो पलट गई। ड्राइवर का कहना है कि सर की गाड़ी मेरे चक्का जाम हो चुका था, उसमें गिरने से मान लो सर 10-12 आदमी तो घायल हो चुके हैं और 2 बच्चे ख़त्म हो गए मौके पे, उनकी मौत हो चुकी। कहाँ जा रहे थे आप? बाराबंकी। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली मजदूरी करते थे। तो लखनऊ में पहली बार आ रहे थे अपने गंतव्य पे? हाँ, अब तो सर अपनी पहली बार ही डीसीएम में आ रहे थे, छोटी गाड़ी। किसी फैक्ट्री में काम करते थे या वैसे? नहीं, वैसे मजदूरी करते थे। सर कितने लोग थे? करीब 12-15 आदमी थे। कोई फैमिली थी? नहीं, फैमिली 2 बच्चे हमारे ही थे, मान लो भाई के थे। नाम तो सर मुझे नहीं याद है। एक लड़की एक लड़का ख़त्म हुआ। हाँ, 2 बच्चे ही ख़त्म हुए। कितने? 2 बच्चे ख़त्म हुए, एक लड़की है करीब 14-15 साल की, लड़का होगा 5-7 साल का बस। कितने